अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। माय नेम इज मलिक अमजद, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाइस यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो कैमन 18 प्रो की। टेक्नो कैमन 17 के लॉन्चिंग के बाद काफी दोस्तों ने टेक्नो कैमन 18 के बारे में काफी सवाल पूछे, तो आज की इस वीडियो को हमें लास्ट तक वॉच कर लेना है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको तमाम सवाल के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो गाइस, बात कर लेते हैं टेक्नो कैमन 18 प्रो के डिस्प्ले साइज की। तो यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साथ ही बात करेंगे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, यहाँ पर आपको 82.5% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगी। अगर बात करें रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पर आपको 720 का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अगर बात करें स्क्रीन प्रोटेक्शन की, तो फ्रंट पे आपको ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, बैक साइड पे आपको प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलेगा। अगर बात करें स्मार्टफोन के कैमरास की, तो बैक साइड पे 4 कैमरास का सेटअप है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, साथ आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। अगर बात करें स्मार्टफोन के थर्ड कैमरा की, वो 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा। अगर बात करें स्मार्टफोन के 4 कैमरा की, वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। साथ आपको डबल LED फ्लैश भी दी गई, और मेन कैमरे से आप 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की। फ्रंट पे वाटर नोटिस का सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। अगर बात करें फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग, तो आप 1080 की वीडियो फ्रंट कैमरे से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और साथ ही बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरा फीचर की, तो यहां पर आपको डिजिटल जूम, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस, ऑटो फ्लैश जैसे तमाम फीचर्स स्मार्टफोन पर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप बात करेंगे इस स्मार्टफोन के इंटरनल की, तो ये स्मार्टफोन 8GB रैम और 256GB रोम के साथ आपको सिंगल वेरियंट देखने को मिलेगा। साथ ही बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की बैटरी की, इस स्मार्टफोन के साथ आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। साथ आपको 18W का फास्ट चार्जर बॉक्स के साथ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G95 की चिपसेट देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी चिपसेट है। अगर बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग होने वाली है। यहाँ पर आप हाई क्वालिटी पर पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, कोई भी हैवी गेम इस स्मार्टफोन पर रन कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट की, फिंगरप्रिंट आपको साइड माउंटेड देखने को मिलेगा। साथ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 का देखने को मिलेगा। अगर बात करें नेटवर्क की, ये स्मार्टफोन 2G 3G 4G को सपोर्ट करता है। और साथ ही बात करेंगे इस स्मार्टफोन की प्राइस पाकिस्तान में क्या होने वाली है, इस स्मार्टफोन की प्राइस आपको पाकिस्तान में 35,000 देखने को मिलेगी। अगर बात करें लॉन्च डेट की, ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में 23 सितंबर 2021 में लॉन्च होगा, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। गाइस, वो तमाम तरह स्पेसिफिकेशन जो भी तक स्मार्टफोन की लीक हुई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। फर्दर कोई भी चेंजिंग इन स्पेसिफिकेशन में होती है, तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेट दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोने स्मार्टफोन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।